Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों में बड़ा नाम शुमार यानी कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी, जो फिलहाल बांदा जेल में बंद हैं, और उनके बड़े भाई जो कि सांसद हैं अफजाल अंसारी बहुजन समाज पार्टी के गाजीपुर सीट से, तो उन दोनों लोगों को एक मामले यानी कि गैंगस्टर और रुंगटा अपहरण कांड के मामले में सजा सुनाई गई थी। और कोर्ट ने सजा सुनाते हुए बाहुबली मुख्तार अंसारी को 10 साल सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और जब सजा होती है तो ऑब्वियसली जेल भेजा जाता है, तो मुख्तार अंसारी तो ऑलरेडी जेल में है, उनको जेल में भेज दिया गया। तो वहीं अगर मैं जेल में है तो जेल में ही रहना पड़ा उनके। बाकी अगर मैं बात करूं अफजाल अंसारी जो कि सांसद हैं, अफजाल अंसारी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जेल में सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जेल में लेकर चला गया। जेल में ले जाने के बाद 2 दिन के बाद खबर आती है कि जो अफजाल अंसारी हैं उनकी संसद की सदस्यता जो है वो कहीं ना कहीं रद्द हो गई है। तो वहीं इस मामले में यानी कि गैंगस्टर एक्ट के मामले में जो सजा हुई है अफजाल अंसारी को, उसको चुनौती दी गई है अफजाल अंसारी के द्वारा हाई कोर्ट में। जी हाँ, बात करें तो हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील की गई थी अफजाल अंसारी के करीबियों के द्वारा, उनके वकील के द्वारा, और जो है इस पे 12 बजे सुनवाई होने वाली है। हालांकि जब अपडेट आएगा तो मैं बताऊंगा 12 बजे सुनवाई होने वाली है कि आखिरकार जो अफजाल अंसारी हैं उन पर सजा बरकरार रहेगी या फिर राहत मिलेगी, क्योंकि अफजाल अंसारी जो हैं वो जमानत पर पहले बाहर भी घूम रहे थे, उसके बाद उनकी छवि भी काफ़ी क्लियर है। तो इस पर कहा जा रहा है कि बड़ी खुशखबरी जो है अफजाल अंसारी को मिल सकती है। अब देखना ये होगा कि आखिर हाई कोर्ट का जब सुनवाई होता है तो उसमें फैसला क्या आता है। लेकिन कल मैंने आपको ये भी बताया था कि जो गाजीपुर चुनाव है उसको लेकर तैयारियाँ शुरू भी हो गई है, और तमाम जो DM और जो EVM का काम होता है उसकी चेकिंग भी हो रही है। तो इस प्रोस्पेक्टिव से अगर बात किया जाए तो प्लान तो हो ही गया है उपचुनाव का, लेकिन अब देखना होगा कि हाईकोर्ट आखिरकार फैसला क्या देता है। खैर, आपको क्या लगता है बताइए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।